अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि आस्ट्रा की जो प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं, प्रीमियम साइट्स हैं, उनको किस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट, और किस तरह से उसका सेटअप करना है और उसकी क्या प्राइजिंग्स हैं और किस तरह से वो आप ले सकते हैं, किस तरह से वो हासिल कर सकते हैं और किस तरह से बहुत ही ज़्यादा चीप के अंदर आप हासिल कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको पूरा मेथड समझाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें, अगर मैं अपनी वेबसाइट को विजिट करूँ तो ये कम्प्लीटली ब्लैंक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा आस्ट्रा का फ्री वर्जन। तो यहाँ से मैं ऐड न्यू क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं आस्ट्रा को। यहाँ पे मुझे डायरेक्ट नज़र आ गया तो सिंपल मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको क्या कर लूँगा, एक्टिवेट कर लूँगा। एक्टिवेट होने के बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना है गेट स्टार्टेड के ऊपर और यहाँ पे मेरे जो नेसेसरी प्लगइन्स हैं जो आस्ट्रा के साथ आएंगे, बेसिक प्लगइन्स, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक स्क्रीन आ गया है। सिंपल यहाँ पे मैं इस वापस एडमिन के ऊपर, एडमिन डैशबोर्ड के अंदर ऊपर चला जाऊँगा, राइट। तो अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब मैं चलता हूँ ज़रा इस तरह की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ टेम्पलेट डिज़ाइन प्रीमियम पड़े हैं, इनको हम यूज़ नहीं कर सकते जबकि हमारे पास लाइसेंस नहीं हो और प्रीमियम जो है वो सब्सक्रिप्शन ना हो ग्रोथ प्लान की, राइट। तो मेरे पास ग्रोथ प्लान है लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस है, वो मैं आपको दे सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा चीप रेट के अंदर। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप होस्टिंग एंड डोमेन बाय करते हैं जस्ट $35 के अंदर फॉर वन ईयर डोमेन होस्टिंग एंड SSL आपको मिल जाएगा। अगर मेरे लिंक से आप वो परचेज करते हैं तो मैं आपको आस्ट्रा का जो ये एजेंसी प्लान या ग्रोथ प्लान है लाइफ टाइम के लिए आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेट करके दे दूंगा, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा। अगर आपको वैसे ही चाहिए तो मैं आप बहुत ही ज़्यादा चीप रेट के अंदर आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको आस्ट्रा एजेंसी प्लान जो है वो सेटअप करके दे सकूँगा। उसके बाद आप सारे फीचर्स एक्सेस कर पाएंगे आस्ट्रा थीम के, इवन ये प्रीमियम टेम्पलेट्स भी आप ऐड कर पाएंगे। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो यहाँ पे देखें, लाइफ टाइम बंडल की, ग्रोथ बंडल की 937 है और इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करके दूंगा, आपकी वेबसाइट पे एक्टिवेट करके दूंगा, राइट। तो चले चलते हैं कि इनको किस तरह से एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे हमने बेसिक सेटअप किया, आस्ट्रा का थीम इंस्टॉल किया और ये सारी चीज़ें की। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लगइन्स में आना है। प्लगइन्स में आने के बाद हमें दो प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहला प्लगइन है हमारे पास यहाँ पे जो है आस्ट्रा प्रो, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन दूसरा प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ जिसका नाम है आस्ट्रा प्रीमियम साइट्स। तो इन दोनों को इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, सिंपल इसको भी एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये दोनों एक्टिवेट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे देखिए मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि अपनी जो आस्ट्रा है उसकी कॉपी को एक्टिवेट कर लें, एक्टिवेट योर लाइसेंस। तो मैं सिंपल यहाँ पे जाता हूँ और ये आस्ट्रा के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे अपनी लाइसेंस की ऐड करनी पड़ेगी। तो ये मेरा जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हमारे पास है दूसरा प्लगइन जिसका नाम है प्रीमियम स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो मुझे इसका जो है लाइसेंस एक्टिवेट करना है। यहाँ पे कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन जब हम टेम्पलेट इम्पोर्ट करेंगे तब यहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा। तो अभी ये दोनों इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखें ये अपडेट का ऑप्शन है। इस आस्ट्रा प्रो को हमें क्या करना है, अपडेट कर लेना है लेटेस्ट वर्जन के ऊपर। अच्छा, ये आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं हो रहा, दोबारा से रिलोड करता हूँ इसको। यू हैव टू वर्जन ऑफ स्टार्टर एक्टिवेट टेम्पलेट, डीएक्टिवेट वन। तो मैंने ये डीएक्टिवेट कर दिया। अब अगेन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ वापस और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। ओके, तो हमारा जो आस्ट्रा प्रो है वो एक्टिवेट अपडेट हो चुका है, बस इतना ही करना था हमने। अब हम आते हैं यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंदर और स्टार्टर टेम्पलेट से हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एलिमेंटर और यहाँ पे हमारे पास जो भी प्रीमियम टेम्पलेट है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर मुझे कोई भी टेम्पलेट प्रीमियम के अंदर पसंद आ रही है, यहाँ पे देखें एजेंसी लिखा हुआ है क्योंकि मेरा जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो चुका है
मतलब अभी मुझे करना है, लेकिन प्लगइन मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। लेट्स सपोज ये वाला जो डिज़ाइन है ये एजेंसी प्लान के अंदर है जो कि फ्री में आपको नहीं मिलेगा, तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ओके, गेट एक्सेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें ये मुझसे लाइसेंस की, और यहाँ पे देखें मेरा जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो चुका है। होने के बाद मैं इसको अगेन वापस क्लिक करके इंपोर्ट साइट, अब जितनी भी जो प्रीमियम साइट्स थी इसके अंदर आस्ट्रा के अंदर उनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, उनको मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। कोई भी टेम्पलेट है, कोई भी सेटिंग है, सारी प्रो सेटिंग्स मेरे पास यहाँ पे अब अवेलेबल हैं। तो कंप्लीट एक्सेस मुझे जो आस्ट्रा थीम की कस्टमाइजेशन का वो मिल चुका है, क्योंकि मैंने आस्ट्रा प्रो भी इंस्टॉल एंड सेटअप एंड एक्टिवेट कर चुका हूँ लाइसेंस की के साथ, और इसी तरह से प्रीमियम साइट्स का जो लाइसेंस की है वो भी मैं सारा कुछ सेटअप कर चुका हूँ। अगेन बताते चलूँ, अगर ये आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंतहाई चीप रेट्स के अंदर आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेशन मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही अगर आप नीचे दिए गए लिंक से डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करते हैं फॉर वन ईयर, तो आप लोगों को ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइफ टाइम के लिए अपडेट कर दूंगा ये सारे प्लगइन्स विद लाइसेंस, तो आपको कोई भी क्रैक चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली इंपोर्ट हो चुकी है। अब अगर हम अपनी वेबसाइट को देखें तो हमारा जो प्रीमियम डिज़ाइन है वो यहाँ पे देखें हमारे पास ऐड हो चुका है, और बिल्कुल जो उसकी वो था मतलब हमारे पास उसका जो डिज़ाइन है वो इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ डिफरेंट, तो यहाँ पे देखें ये पूरा डिज़ाइन जो है इंपोर्ट हो चुका है। अगर मैं कस्टमाइज़ के अंदर जाऊँ और यहाँ पे मैं देखूँ तो सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मौजूद मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मैं अब ब्लॉग आर्काइव में जाता हूँ तो सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिलेंगे। सॉरी, यहाँ पे अभी वो ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे क्योंकि मैंने आस्ट्रा प्रो की जो वो है वो एक्टिवेट नहीं किया, उसके मॉड्यूल्स। सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें ये मॉड्यूल्स हैं एक्टिवेट ऑल, और यहाँ पे ये सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। राइट, अब अगेन मैं यहाँ पे अगर आता हूँ तो यहाँ पे देखें मुझे और काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे जिनसे मैं अपनी वेबसाइट को मज़ीद एडिट कर सकता हूँ। जैसे हेडर के अंदर, जैसे यहाँ पे स्टिकी हेडर आ गया, और काफ़ी सारे ऑप्शन जो जो भी हमें फ्री के अंदर नहीं मिल पा रहे थे वो सारे अब यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।